लेबनान में हुए पेजर अटैक ने दुनिया को चौंकन्ना कर दिया है। जिस तरह से इसराइल ने हिजबुल्ला के लड़ाकों को टारगेट कर पेजर अटैक किया और 4000 से ज्यादा पेजर को एक के बाद एक ब्लास्ट कराकर पूरे लेबनान में दहशत फैला दी। युद्ध के इस स्मार्ट तरीके से दुनिया हैरान है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत में लेबनान जैसा कोई अटैक हुआ तो क्या हमारी सेना ऐसे हमलों को रोकने के लिए तैयार है। आज के दौर में अब जरूरी नहीं है कि युद्ध वर्दी पहने हुए सेना के जवान ही लड़े, अब डिवाइस वॉर का जमाना है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब दुश्मन को टारगेट करके उस तक पहुंचना बहुत आसान है। भारत में अगर लेबनान जैसा कोई ब्लास्ट हुआ तो हमारा देश कितना तैयार है, यह बड़ा सवाल है। ये ठीक है कि हमारे देश में पेजर का इस्तेमाल तो ना के बराबर है, लेकिन मोबाइल फोन हर जेब में है, हर घर में है। हर मोबाइल फोन के डिवाइस को बम की तरह इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा नुकसान भी किया जा सकता है। पड़ोसी देश चीन की खुराफात को कौन नहीं जानता। चीन पीठ में छुरा भोंकने में माहिर है। भारत में चीन के बने मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। अगर चीन किसी तरह की खुराफात कर दे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। भारत में 112 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कुल जनसंख्या का करीब 78% है। 105 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जेब में एक बम घूम रहा है। थोड़ा सा शैतानी और खुराफाती दिमाग किसी भी बड़े खतरे को न्योता दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लेबनान जैसी घटना भारत में भी हो सकती है। इस बाबत जब मोबाइल और साइबर एक्सपर्ट की राय ली गई तो उन्होंने बताया है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर या वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ उनके बनने के दौरान हुई थी, इसीलिए ऐसी घटना को रोकने के लिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मजबूती से लागू करना होगा। ऐसे में हमारे देश में असेंबल होने वाले फोनों पर तगड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि डिवाइस के जरिए फोन में ब्लास्ट कराना आसान है। इसीलिए जिन डिवाइसों को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। भारत में लेबनान जैसा डिवाइस बनाने के लिए प्लांट में छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर पहले से किसी साजिश के तहत इन कोई विदेशी ताकत कंट्रोल करेगी तो कुछ भी हो सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर अगर सिर्फ एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर नहीं रहेगी, तो लेबनान जैसे हमले नहीं रोके जा सकते। लेबनान में फटे पेजर ताइवानी ब्रांड के थे। इन्हें ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की यूरोपियन फ्रेंचाइजी ने बनाया था। भारत में चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं। ऐसे में चीन पर आंख बंद रखकर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो फोन बाहर से आते हैं उसकी स्कैनिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में फोनों की डिमांड है कि हर फोन की स्कैनिंग असंभव है, इम्पॉसिबल है। जानकारी के मुताबिक बाहर से आने वाले 10% फोन की स्कैनिंग हो पाती है। ऐसा नहीं है कि खतरा केवल चाइना या फिर दूसरे देश से आने वाले मोबाइल सेल फोन से ही है, खतरा ड्रोन से भी है, क्योंकि चीन से बना ड्रोन हमारी सेना को नुकसान पहुंचा चुका है। इसीलिए चाइना के ड्रोन के इस्तेमाल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। चीनी इक्विपमेंट से बने ड्रोन के जरिए हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा कैमरा, रेडियो, ट्रांसमिशन, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी को भी टारगेट किया जा सकता है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। खतरा चाइनीज इक्विपमेंट से सेना के मूवमेंट को ट्रैक करना भी आसान हो सकता है। इसीलिए आंख बंद करके अब दूसरे देशों की तकनीक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से इसराइल ने लेबनान के घर में घुसकर उसे बर्बाद किया, उसने दुनिया को संदेश दिया कि अब कोई कहीं भी सेफ नहीं है। तकनीक के दौर में किसी को कहीं पर भी टारगेट करके उसे निशाना बनाया जा सकता है। इसीलिए जरूरत है कि अब भारत को अपनी तकनीक और मजबूत करनी होगी, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, क्योंकि इसका इस्तेमाल सेना के जवान से लेकर आम नागरिक तक करते हैं। थोड़ी सी अनदेखी लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है, और अगर चीन जैसा खतरनाक पड़ोसी है तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को अब और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, सेना को तकनीकी रूप से और मजबूत और आधुनिक करना होगा, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेबनान की घटना ने हिंदुस्तान को भी बड़ा सबक सिखाया। एक बात तो साफ है कि अगर भारत पर लेबनान जैसा कोई हमला हुआ तो भारत अभी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।